गुड मॉर्निंग दोस्तों, सामने ही माध्यमिक एग्जामिनेशन है, मीन्स बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप बंगाल में रहते हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड में अगर पढ़ते हो, और कई घर में कोई वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ता है, तो गाइज यू नो दैट इज ऑलरेडी 2 से 2.5 महीना बाकी है और द माध्यमिक एग्जामिनेशन। तो आज का वीडियो में आपको बोलने जा रहा हूँ कैसे आप माध्यमिक एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन ले सकते हो। सो एक्चुअली आई हैव बीन वर्किंग एज अ इंग्लिश ट्रेनर फॉर लास्ट अराउंड 10 ईयर्स। सो दोस्तों, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दैट कैसे आप इंग्लिश में अच्छा मार्क्स पा सकते हो। जिस 2 से 2.5 महीना बाकी है, मीन्स राइट नाउ आई एम इन माई क्लास एंड यू कैन सी दैट इज दिस इज माई क्लास ओवर हियर एंड ये कम्प्लीटली दिस इज द ग्रुप हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द माध्यमिक एग्जामिनेशन। तो इंग्लिश में कैसे आप बढ़िया मार्क्स पा सकते हो इन योर स्कूल फाइनल, इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस गाइस। सो प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं हर दिन बैठ कर आप यू नो जो चाहे कर सकते हो। प्रैक्टिस का मतलब प्रॉपर सिस्टम, जिस सिस्टम को आप यूज करके यू कैन गेट गुड मार्क्स। तो प्रैक्टिस के लिए चाहिए बेसिकली, इन जनरल आई पर्सनली प्रेफर टू वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। जो पहला बुक है दैट आई सजेस्ट ऑलवेज टू माई स्टूडेंट्स, दैट इज द डफ एंड दत्त। गाइस दिस इज द डफ एंड दत्त बुक एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर द इंग्लिश। एंड इस बुक का जो खासियत है, इस बुक का जो स्पेशलिटी है, दैट इज अबाउट द प्रैक्टिस सेशन। यहाँ पर जो इस बुक में अगर खोलोगे, यू कैन फाइंड दैट इज पहले इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक यू विल गेट प्लेंटी ऑफ ग्रामेटिकल प्रैक्टिसेस। और हर ग्रामर चैप्टर में प्रैक्टिस तो है, बट चैप्टर शुरू होने से पहले उस चैप्टर रिलेटेड इम्पोर्टेंट रूल्स भी है। इसका मतलब है आपका इस किताब से, ये डफ एंड दत्त किताब से आपका जो पहला प्रॉब्लम पावर इज कॉन, तो कोई बात नहीं। एक्चुअली जो मैं बोलने चाहता हूँ, लेट मी कंप्लीट इट, दैट इज इस बुक से पहले तो आपको ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, व्हाट इज द ग्रामेटिकल रूल्स। उस रूल को देख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। सपोज गाइज दिस इज चैप्टर 8 ओवर हियर, आप देख सकते हो, दिस इज चैप्टर 8 ओवर हियर। यहाँ पर इंटायर रूल लिखा हुआ है। इस रूल को पहले आप देखो, इस रूल में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। रूल को आपको पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस रूल बंगाली में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, तीन लैंग्वेजेस में है। और पढ़कर समझ कर आपको इसका जो प्रैक्टिस सेशन है, नेक्स्ट पेज से अगर चले जाओ तो प्रैक्टिस सेशंस है, आप प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस है और बीच बीच में एक्स्ट्रा अगर कोई रूल है, रूल भी इंक्लूडेड है इन दिस बुक। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन इंग्लिश फॉर द वेस्ट बंगाल बोर्ड। तो ये तो हो गया पहला बुक। और सेकेंड बुक है दैट इज आई वॉन्ट टू शो यू वॉट दैट इज द गिव मी द टेस्ट पेपर। दिस इज द टेस्ट पेपर। सो स्टूडेंट्स दिस इज द ABTA टेस्ट पेपर। ये टेस्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द मीन्स माध्यमिक एग्जामिनेशन। ऑल ऑफ यू प्लीज डू योर वर्क, डोंट लुक एट ओवर हियर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, जस्ट मैं दिखाता हूँ, जब हम लोग क्लास करवाते हैं, जब क्लास में से बात करते हैं, दे जस्ट लुक एट व्हाट आई एम टेलिंग। तो एक्चुअली यह है ABTA का टेस्ट पेपर। एक्चुअली हाल ही में जस्ट 3 से 4 वीक हुआ है शायद इन लोगों का जो टेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है। अभी भी नया टेस्ट पेपर मार्केट में नहीं आया है, कुछ दिन में ही आ जाएगा नया टेस्ट पेपर। अभी तो टेस्ट पेपर नहीं आया ना, टेस्ट पेपर इज नॉट अवेलेबल स्टिल मन मार्केट। तो टेस्ट पेपर अभी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये पुराने टेस्ट पेपर से हम लोग काम चला रहे हैं, मीन्स ये है 2018-2019 का, मीन्स इस साल का जो टेस्ट पेपर आने वाला है दैट इज 2019-2020 का। तो टेस्ट पेपर क्यों करना ज़रूरी है? टेस्ट पेपर का मतलब है माध्यमिक और जो बोर्ड एग्जामिनेशन, इसके पहले जो स्कूल में जो टेस्ट होता है उसका जो एक क्वेश्चन बंच इस टेस्ट पेपर में दिया जाता है, ABTA टेस्ट पेपर में दिया जाता है। और ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे तो ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे पेजेस रहते हैं इंग्लिश के ऊपर, अगर आप ऐसे 20-30 पेपर आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, सो आई कैन गिव यू द गारंटी यू विल गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। देखो एग्जाम का प्रिपरेशन लेने का मतलब द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बी रेगुलर। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको रेगुलर बेसिस करना होगा। मीन्स देखो ये लोग, दिस इज द मॉर्निंग टाइम,
मॉर्निंग के साथ 7:30 बजे अभी दे केम अर्ली द मॉर्निंग एंड दे आर प्रैक्टिसिंग द टेस्ट पेपर पे पेज सॉल्व कर रहे हैं सभी. टेस्ट पेपर का पेज हर वीक में अगर आप 2 पेज सॉल्व करोगे दैट इज द बेस्ट रेमेडी टू गेट द गुड मार्क्स. सो ऑल अबाउट द प्रैक्टिस. आपको ग्रामर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको टेक्सचुअल सीन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको जो अनसेंस है अनसेंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस वोकैबुलरी, स्टॉक ऑफ वर्ड्स, ग्रामेटिकल पार्ट द मेनली दैट आई एम टेलिंग, ऑल्सो द राइटिंग सेक्शन. अगर आप रेगुलर बेसिस करोगे इंग्लिश प्रैक्टिस, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर दिन आपको एक कंप्लीट पेज करना पड़ेगा, बट 2 पेज महीने में कंप्लीट करना, वीक में कंप्लीट करना आपको जरूर पड़ेगा एंड फ्रॉम द टेस्ट पेपर एंड करना पड़ेगा. और हर दिन एक पार्ट को आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा. मीन्स आज कोई सीन कर लो, आज कोई ग्रामर कर लो, आज कोई राइटिंग कर लो, पिकअप एनी पर्टिकुलर सेक्शन जिससे आप टेस्ट पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हो एंड मेक इट एज अ डेली हैबिट. अगर आप डेली बेस करोगे तो क्या इजी हो जाएगा, आपके प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका एक हैबिट बन जाएगा टू यू नो जस्ट लाइक लर्न इंग्लिश. तो दिस इज द वेरी इजी वे टू गेट द गुड मार्क्स. और जो मैंने बोला पूरा साल आपको ये वाला जो किताब है डाफ एंड दत्त आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. अगर ये 2 किताब अगर आप साल में कंप्लीट करोगे तो आई कैन गिव यू द गारंटी एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स. इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड आपका मार्क्स बहुत ही बढ़िया हो जाएगा. बाकी सब्जेक्ट का तो पता नहीं, बेसिकली आई एम द इंग्लिश टीचर सो आई कैन गिव यू द एश्योरेंस दैट यू विल गेट अ वेरी गुड एंड हैंडसम मार्क्स इन योर एग्जाम इन योर इंग्लिश पेपर. सो गाइज ये था पूरा एक छोटा सा प्रिपरेशन वाला टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको इस्तेमाल करके आप इंग्लिश में अच्छा मार्क्स पा सकते हो. देखो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई यू नो ऐसे इजीएस्ट वे नहीं है. ये लोग भी आप जो देख रहे हो दे ऑल आर माय स्टूडेंट्स ओवर हियर. ये लोग हर दिन हर वीक प्रैक्टिस करते हैं. दे आर द यू नो जस्ट लाइक गर्ल्स, दिस इज मोली, दिस इज पौर्णमी, दिस इज यू नो कमल, दिस इज जीत एंड शी इज गुनगुन, दिस इज नीलांजना, दिस इज सुष्मिता, और भी कई है एंड वो दूसरे टाइमिंग में आते हैं. तो हम लोग 1 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं. हम लोग का टारगेट है टू गेट एटलीस्ट लेटर मार्क्स 80 से ज़्यादा. आई नो दैट एवरीवन वांट टू गेट लेटर मार्क्स बट कोशिश तो हम लोग कर सकते हैं. अगर 80 यहाँ पर देख सकते हो 7-8 जन में अगर 5 जन भी मोर देन 80% मार्क्स आ जाता है यू कैन से दैट इज अ सक्सेस ऑफ गुड इंग्लिश क्लास. और ठीक है बाकी जन अगर 70 के नियर और अबव 70 मार्क्स भी पा जाते हैं सो दैट इज ऑल्सो गुड. सो गाइज प्रैक्टिस विदाउट प्रैक्टिस यू कांट एक्सपेक्ट टू गेट गुड मार्क्स. प्रैक्टिस आपको करना चाहिए बट एक प्रॉपर सिस्टम में करना चाहिए ताकि आपका जो स्कोर आपका जो मार्क्स वो बढ़िया हो सके. सो गाइस वीडियो को यहाँ पर क्लोज करते हैं. होप सो यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो. ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए ओके व्हाट इज द एग्जाम डेट ऑफ माध्यमिक एग्जामिनेशन 18th February. ओके गाइस 18th February एग्जामिनेशन है. 18 तारीख को एग्जामिनेशन है. तो अभी भी हम लोगों के पास सफिशियंट टाइम है, आप लोगों के पास सफिशियंट टाइम है. अगर आप चाहते हो गुड मार्क्स कैरी करना सो इस वे दिस इज द वे, दिस इज द एक्चुअल इजीएस्ट वे. प्रैक्टिस करो, गेट गुड मार्क्स. होप सो आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा. सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड.